हमारा फ्रेम थोड़ा अलग रहता है। मुंबई में भले ही सियासी हलचल तेज हो, लेकिन मुंबई पुलिस की एक जिम्मेदारी होती है कि हर इलाके में अमन शांति कायम रखे। फिलहाल इसी तरह का नजारा मुंबई के कुरार पुलिस स्टेशन में देखा जा रहा है, जहां तमाम पुलिसकर्मी मुस्लिम भाइयों के साथ इफ्तार पार्टी करते हुए नजर आ। हालांकि इफ्तार पार्टी किसके द्वारा रखी गई है यह माने नहीं रखता है, माने इस बात का रखता है कि किस तरह से अमन शांति के लिए मुंबई पुलिस हमेशा तत्पर रहती है, चाहे वो कार्यक्रम की मदद से हो या फिर इफ्तार पार्टी की मदद से हो या फिर कोई छोटे मोटे आयोजनों की मदद से हो। तस्वीरें दिखाएंगे कि तमाम पुलिसकर्मी भाई इफ्तार पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इफ्तार पार्टी का नाम इसलिए दिया जाता है कि लोग आपसी भाईचारा कायम रखे और एक दूसरे को भूलकर समभाव रखे। फिलहाल मुंबई पुलिस के अलावा सरकार भी यही चाहती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सियासत के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, वो भी मायने नहीं रखते। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए से आयोजक से बात करेंगे। सर, किस तरह का आयोजन है, क्या संदेश देंगे आज जो इफ्तार पार्टी अपने रखी? इफ्तार पार्टी जो है हमारे बहुत मोहतरम यानी अमजद खान बिल्डर साहब की तरफ से ये इफ्तार पार्टी रखी गई है, और हमेशा हम इस तरह से रखते हैं क्योंकि हम उस संस्था से ताल्लुक़ रखते हैं जो 1919 में बनाई गई थी और जिसने बंटवारे का सबसे ज़्यादा विरोध किया था। अमन और शांति के लिए, इस इंडिया की हिफाजत के लिए, यहाँ के एक एक नागरिक की हिफाजत के लिए उन संस्था का क़याम अमल में आया था, और आज हम यहाँ पे प्यार और मोहब्बत को लेकर के आए हैं। जो लोग हमारे प्यारे मुल्क भारत में नफ़रत फैलाना चाहते हैं, वो नफ़रत को नफ़रत से नहीं मिटाया जा सकता, बल्कि नफ़रत को मोहब्बत के पानी से ही और मोहब्बत से मिटाया जा सकता है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जो है हमेशा अमन और शांति हो, और इस मुल्क की भलाई और यहाँ के लोगों की भलाई अमन और शांति और प्यार और मोहब्बत में है। और यहाँ की जो एक एकता रही है, गंगा जमुनी तहजीब रही है कि भात भात के लोग, उनकी बोलियाँ अलग रहती थी लेकिन सब प्यार और मोहब्बत के साथ रहते थे। आप मेरे भाई हैं, आपका खून कोई लाल है तो मेरा भी लाल है, हम दोनों एक माता पिता की संतान हैं, कोई एक दूसरे का यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में प्यार और मोहब्बत ही फैले, और जो लोग नफ़रत फैलाना चाहते हैं हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लोग या कोई लोग जज्बात में ना आए, बल्कि उनको जो है प्यार और मोहब्बत के साथ समझाएं। नफरत फैलाने वालों का भी यहाँ जो संदेश है, सर क्या कहेंगे, किस तरह के आयोजन है, कितने लोगों का आयोजन है, इस आयोजन के पीछे की मंशा क्या है आपकी? हमारी मंशा ये है कि पूरे मुल्क में अमन और प्यार और शांति कायम रहे, बस ये पैगाम हम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना चाहते हैं। कुरार पुलिस को ही क्यों चुना आप? कुरार पुलिस का हमेशा इस अंदाज का सपोर्ट रहा है कि वो कभी भी कुरार पुलिस से कोई भेदभाव नहीं, हमेशा सपोर्ट्स मिला है, और शांति को और जो है उसको बरकरार रखने के लिए इनका बहुत बड़ा एफर्ट्स है, बल्कि कुरार पुलिस के साथ साथ पूरी महाराष्ट्र पुलिस का ये। बिल्कुल, तो सबसे अहम बात है कि नॉर्थ मुंबई में जिस तरह से मुस्लिम बाहुल्य लोग तमाम ज़्यादा लोग रहते हैं, ऐसे में कुरार पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि किस तरह से इसको अमन शांति के साथ कायम रखना। फिलहाल कुरार पुलिस इस मामले में हमेशा से सक्सेस भी रही है, जैसा कि आयोजन समिति द्वारा कहा जा रहा। फिलहाल एक बार फिर से बताएंगे कि इसे इफ्तार पार्टी न समझे, बल्कि अमन शांति के पैगाम समझ कर इसे स्वीकार करें और लोगों से संदेश दे कि कैसे भाईचारा कायम रखना। हालांकि राजनीतिक दलों में यह सब सारी चीज़ें आम हो जाती है, लेकिन जब मुंबई पुलिस की बात आती है तो मुंबई पुलिस बखूबी इसको अच्छी तरह से निभाना जानती है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी एनबी न्यूज मुंबई।